सनातन धर्म में नवरात्रि के त्योहार का विशेष महत्व है। ये त्योहार माँ दुर्गा को समर्पित होता है। इन 9 दिनों में लोग दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में शारदीय नवरात्रि को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विधिवत पूजा उपासना करने से वह भक्तों को सारे दुख दूर करती हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 से हुई है। इस दिन घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि की शुरुआत हुई, वहीं 12 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ इसका समापन होगा। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी पृथ्वी लोक पर आती हैं। ऐसे में माता रानी हर साल अलग अलग सवारी में आती हैं। दरअसल माता के प्रस्थान की सवारी वार अनुसार तय की जाती है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि इस साल माँ दुर्गा किस सवारी पर सवार होकर वापस जाएंगी और क्या ये शुभ होगा या अशुभ। दरअसल माता रानी पालकी पर सवार होकर आई थी। वहीं हम नवरात्रि में माता रानी के प्रस्थान की सवारी चरणायुध यानी कि मुर्गा होगी, जिसे शुभ संकेत बिल्कुल नहीं माना जाता। माता के इस वाहन को अमंगलकारी माना गया है। ये शोक और कष्ट का संकेत है। माना जा रहा है कि ये देश दुनिया पर बुरा असर डालने वाला है। ऐसे में लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, आंशिक महामारी फैलेगी, साथ ही राजनीतिक उठापटक भी देखने को मिल सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।